कोविड की तीसरी लहर के बचाव को लेकर अब व्यापक उपाय किए जाने लगे हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में पुराने अनुभवों को देखते हुए विधानसभा सचिवालय में कोरोना से बचाव के कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर शिवराज सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही सारी तैयारियां की जा रही हैं। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन के दोनों डोज के प्रमाण पत्र देने होंगे, तभी अंदर जाने दिया जाएगा। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से खासी सतर्कता बरती जा रही है। हमने देखा है कि चूंकि नया वेरिएंट आ गया है, इसलिए हमने तय किया है कि सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने दोनों डोज लगाई वही वहाँ प्रवेश करेंगे। बाहर का कोई व्यक्ति भी आता है तो उसको भी हम यथासंभव ये कहेंगे कि भाई उसने दोनों डोज का आप प्रमाण दें, और यदि किसी कारण से वो नहीं लगा पाए तो हमने अपने जो चिकित्सकगण थे उनको निर्देश दिया है कि हम डिस्पेंसरी में पूरी व्यवस्था रखेंगे, चाहे माननीय सदस्य हों या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो यहाँ सेकंड डोज लगाने के बाद ही फिर विधानसभा में प्रवेश करें। विधानसभा परिसर के साथ ही विधायक विश्राम गृह में भी RT-PCR जांच की व्यवस्था रहेगी। विपक्षी दलों का भी यही मानना है कि पूरी सावधानी के साथ ही सत्र का संचालन होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का धर्म है वो किसी स्केल का सांसद हो या सरपंच हो, हम लोग एक उदाहरण पेश करेंगे तभी जाकर पब्लिक में इसका मैसेज जाएगा। और ये राजनीतिक बात नहीं हो सकती, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो सकती है। कोविड वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सब मिलजुल कर आम जनता में भी इस जागरण को आना चाहिए कि एकमात्र उपाय अगर विश्व की सारी स्वास्थ्य सेवाओं ने दी है, स्वास्थ्य संगठनों ने कहा है, तो वो वैक्सीन है, तो हम सब लगाएं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे भाव का समर्थन करे। कोरोना महामारी के दौरान विधानसभा के कई कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। महामारी के दौरान पिछले 1.5 साल में विधानसभा भी कम ही संचालित हो पाया, लेकिन वेरिएंट से निपटने के सभी उपायों के साथ एक बार फिर से सत्र का आयोजन किया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण पूरे देश में दहशत मची हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र 20 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इस सत्र में विधानसभा सचिवालय ने तय किया है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। विधायकों के साथ साथ अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए भी ये नियम लागू रहेगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन से भी ये जानकारी मंगाई जा रही है कि किन किन विधायकों को दोनों डोज लग गए हैं। स्वाभाविक रूप से विधायकों के साथ साथ सभी की चिंता है और इसीलिए ये नियम लागू किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।